आप लोग समर्थन कर रहे हैं शिखा जी का, क्या लगता है पंचायत में जितना विकास चाहिए था उतना नहीं हुआ? सबसे पहले तो मैं खुट्टा पंचायत के सभी विभागों को प्रणाम करना चाहूँगा और बक्सर टॉप न्यूज़ की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस आयोजन को किया। देखिए पंचायत में क्या है ना, पिछले 20 सालों से हम पंचायत चुनाव को देख रहे हैं और पंचायत में एक भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल बना दिया गया है। गरीब गरीब होता जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर बात किया जाए पिछले चूँकि हम लोग BDC के चुनाव में हैं, हमारे BDC प्रत्याशी का क्या योगदान रहा है पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो, ये जो माहौल बना रखा है लोगों को डराने का, लोगों को धमकाने का, इस माहौल को दूर करने के लिए आए हैं। हम एक ऐसा पंचायत चाहते हैं जहाँ पे कोई भी अगड़ा पिछड़ा न रहे, कोई बड़ा छोटा न रहे, सभी लोग मिलकर समेकित विकास की तरफ बढ़े। प्रधानमंत्री की जो योजना है धरातल पे, वो उसको उतारने में हम सफल है ताकि गरीब के पास जो केंद्र से पैसा आ रहा है, जो राज्यों से पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा बिना किसी कटौती के गरीब अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। अंतिम व्यक्ति का विकास ही हमारा लक्ष्य है। अच्छा, जब बात आती है मझरिया की तो कहा जाता है कि मझरिया या फिर बुटहा पंचायत की बात अगर आती है तो कहा जाता है कि एक तो वहाँ विकास की रोशनी जो है नहीं पहुँची है और दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे मतलब एक तरह से कहा जाए गुंडों का राज या फिर इस तरह की स्थिति है। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग जैसे लोग जीतेंगे तो वो तस्वीर बदलेगी? देखिए पंचायत को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गुंडों का राज है, मैं ये सीधे कहूँगा कि हाँ, प्रत्याशी जो चुने गए हैं पहले, उन्होंने वो जो विकास करना चाहिए था, जो धरातल पर योजनाएं को उतारनी चाहिए। एक आम आदमी के तौर पे मैं क्या सोचता हूँ, एक आम आदमी के तौर पे मुझे रोटी नहीं चाहिए, मैं वो कमा सकता हूँ। मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छा अस्पताल चाहिए, बेहतर सड़कें चाहिए, सफाई का प्रबंध चाहिए, शौचालय का प्रबंध होना चाहिए और ऐसी ही योजनाएँ जो धरातल पर आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे, वो योजनाएँ चाहिए। अभी तक 70 सालों के बावजूद, आज़ादी के 75 साल हो गए, 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, उसके बावजूद भी ये योजनाएँ अभी तक खुटहा पंचायत से कोसों दूर है। इन योजनाओं को धरातल पर हम उतारेंगे। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और मैं श्रीमती शिखा गौरव का प्रस्तावक और समर्थक हूँ। जो श्रीमती शिखा गौरव है उन्होंने वो पढ़ी लिखी है, MBA उन्होंने कर रखा है दिल्ली के कॉलेज से, नोएडा के कॉलेज से MBA प्रत्याशी हैं और एक शिक्षित प्रत्याशी होने के नाते हम शिक्षा के महत्व को हम लोग जानते हैं। पंचायत में सबसे पहला हमारा कदम यही होगा कि सभी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष तौर से बच्चियों के लिए शिक्षा का विकास किया जाए ताकि किसी को भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना आ पाए। हम घर घर जाके शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए आए हैं।